हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास परिमित अंतरकलन फाइनाइट डिफरेंस के कुछ हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उसमें जो पहला डिफरें एग्जांपल है वो अपने पास सो दैट सम ऑफ डेल स्क्वायर एफ के, जहाँ के इक्वल टू 0 टू एन माइनस वन इक्वल टू डेल एफ एन माइनस डेल एफ जीरो। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे पास जोधपुर यूनिवर्सिटी 2002 में आया, अजमेर 2004 में आया, उदयपुर 2006, 2008, राजस्थान 2008, बीकानेर 2008 और 2012 के बाद अगर कभी आया होगा तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास बुक जो है वो पुरानी है। अब हम ये सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। सॉल्यूशन बाय एलएचएस। एलएचएस क्या कहता है हमारे पास, ये के बराबर 0 टू एन माइनस वन डेल स्क्वायर एफ के इक्वल टू। फ्रेंड्स, डेल स्क्वायर क्या होता है अपने पास, जो डेल होता है वो हमारे पास ई माइनस वन होता है। हम पहले पुरानी वीडियो में पढ़ चुके थे, हमने शो भी किया था हमने, तो ये डेल स्क्वायर ये पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा के बराबर 0 टू एन माइनस वन ई माइनस वन का होल स्क्वायर ऑफ एफ के, ये हो गया। तो अब हम इसको अगर इसको ओपन कर लें तो ये हो जाएगा अपने पास के बराबर 0 टू एन माइनस वन ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन ऑफ एफ के। अब फ्रेंड्स, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, एफ के को अंदर ले जा रहे हैं, तो ई स्क्वायर एफ के वो क्या हो जाएगा, के बराबर 0 टू एन माइनस वन या ई स्क्वायर एफ के, इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर एफ के माइनस टू ई एफ के प्लस एफ के, ये हो गया। अब फ्रेंड्स, इसको क्या कर सकते हैं हम, के बराबर 0 टू एन माइनस वन चल रहा है, ई स्क्वायर एफ के मतलब एफ के है, तो ये हो गया के प्लस टू एच, एफ के प्लस टू एच माइनस टू ई एफ के प्लस एच प्लस एफ के, ये हो गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, अपने पास जो एच बराबर है वो वन दिया हुआ है, एच बराबर वन लेके हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो ये हो गया अपने पास के बराबर 0 टू एन माइनस वन एफ के प्लस टू माइनस टू एफ के प्लस वन प्लस एफ के, ये हो गया। अब हम के बराबर अभी के बराबर 0 हम अप्लाई कर रहे हैं, समय अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ टू माइनस के बराबर 0 पे कर रहे हैं, एफ के बराबर 0 पुट किया तो टू माइनस टू एफ वन प्लस एफ वन प्लस, ये हो गया के बराबर 0 पे। अब के बराबर 1 पुट किया तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ थ्री माइनस टू एफ टू प्लस, ये हो जाएगा लास्ट में हमारे पास फ्रेंड्स एफ वन, इसी तरह प्लस। अब एफ के बराबर 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ फोर माइनस टू एफ थ्री, के बराबर 2 पुट कर रहे हैं प्लस एफ टू प्लस, ये चलता जाएगा इसी तरह फ्रेंड्स हमारे पास। अब हम के बराबर एन माइनस टू पुट करें, एन माइनस टू या एन माइनस थ्री पुट कर लेते हैं पहले फ्रेंड्स, के बराबर एन माइनस थ्री पुट कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा अपने पास एफ एन माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा अपने पास एन माइनस वन माइनस टू, यहाँ के माइनस थ्री पुट किया हमने तो ये हो जाएगा एफ के माइनस थ्री की जगह के की जगह एन माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा एन माइनस टू प्लस एफ एन माइनस थ्री। अब फिर के बराबर एन माइनस यहाँ पे हमने थ्री पुट कर लिया तो एन माइनस टू पुट करना है, तो ये हो जाएगा एफ एन माइनस सॉरी एफ एन हो जाएगा यहाँ पे, क्यों एन माइनस टू पुट किया है, माइनस टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। अब एन माइनस वन पुट करना है लास्ट में, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एफ एन माइनस वन पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एन प्लस वन माइनस टू एफ, ये हो जाएगा अपने पास एन माइनस सॉरी प्लस एफ एन माइनस वन, ये
ये हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ से हम देखते हैं टू F1 यहाँ पर है अपने पास, प्लस का F1 2F1, तो ये -2F1 हो गया। इस इन दोनों से ये कट जाएगा, सॉरी ये F1, ये 2F1 से ये F1 है, F1 चला गया, 2F2 भी सेफ है अभी। तो F2 को यहाँ पे एक F2 है, यहाँ पे एक F2 है अपने पास, तो ये 2F2 भी चला जाएगा। इस तरह फ्रेंड्स हमारे पास जो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास F0 था, सॉरी यहाँ पे F0 था, हमारे F0 है हमारे पास, तो ये F1 हमारे पास सिर्फ एक पास एक बार ही हमारे पास F1, तो ये ओनली हमारे पास -F1 बच जाएगा। यह F0 था हमारे पास, ये 2F2, ये F2 रहा, ये F2 रहा, ये कट जाएगा। इस तरह ये F3 काटने के लिए ये F3 रहा यहाँ पे, ये रहेगा, और एक अगली टर्म आएगा वो F3 इसे कट जाएगा। इस तरह और चलते जाएंगे, तो अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं टू एफ यहाँ पे देखते हैं एफ यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स 2Fn-1, तो यहाँ पे देखते हैं Fn-1 ये किए रहा, ये किए रहा, तो ये कट जाएगा n-2, तो ये रहा एक n-2 बच जाएगा। ये बच गया फ्रेंड्स, एक n-2 बच गया, मतलब ये बच गया हमारे पास -F n-2 बच गया यहाँ पे, तो ये बच गया। अब यहाँ पे देखते हैं Fn में -2Fn, तो ये रह गया अपने पास -Fn रह गया। अब n-2 हम कहीं और भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक n-2 है, तो n-2 एक यहाँ पर है हमारे पास। फिर देखते हैं n+1 n-1, तो एक n-2 इस इधर भी आएगा, तो n-2 से n-2 चला जाएगा हमारे पास। अब जो हमारे पास जो बच जाएगा वो हमारे पास है फ्रेंड्स, हमारे पास फिर से जो बच के आया, एक तो हमारे पास ये Fn+1, ये कहीं पे नहीं कटा था हमने, ये F0 हमने गलती से मिस्टेक से काटा था ये, लेकिन कटा हुआ नहीं था, ये बच गया हमारे पास -F1, और साथ ही हमारे पास ये बच गया -Fn, ये बच गया। तो हम इसको लिख सकते हैं Fn+1 -Fn -F1+F0, या फिर इसको लिख सकते हैं हम -Fn+1 -Fn+ से बाहर लेते F1-F0, तो ये तो हो गया हमारे पास Δ Fn, और माइनस ये हो गया Δ F, ये फिर Δ F0 हो गया हमारे पास, जो कि हमारे पास RHS है।